यदि जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों नहीं बचेंगे? बाइबल कहती है आप इसलिए धर्मी नहीं ठहरे क्योंकि आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, आप लोगों ने चैरिटी की है, आपने एक एनजीओ खोली है जहां आप लोगों का इलाज करते हैं, इस वजह से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, वो अच्छा काम है, उसका न्याय जरूर होगा, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण ही तुम धर्मी ठहर सकते हो और क्रोध से बच सकते हो। और यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर के क्रोध से बचने का एक ही तरीका है। एनजीओ चलाने वालों को क्या बोले अपोस्टल अंकुर यूसुफ नोला जी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सबको जैम से की मेरा विश्वास है आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड होंगे। विशाल रामदासिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत करते हैं और आज की वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं बताना चाहती हूँ कि एनजीओ के बारे में हमारे स्पिरिचुअल फादर जी क्या बोले। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज जो लोग कई ऐसे लोग हैं जो एनजीओ चलाते हैं, जो लोगों की सहायता के लिए एनजीओ उन्होंने खोले होते हैं, पर बाइबल के अकॉर्डिंग हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं ये क्रिश्चियन लोग ही समझ सकते हैं, जो परमेश्वर में हैं लोग उन्हें परमेश्वर के दास ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं हम धर्मी किस चीज़ के साथ समझे जाते हैं, हम धर्मी किस चीज़ के साथ बनते हैं, क्योंकि हमारे लिए जो सबसे अहमियत जो चीज़ है वो है प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह का ब्लड, प्रभु यीशु मसीह का लहू, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें हर एक चीज़ के साथ जो कि आज़ाद करता है, हर एक चीज़ से हमें शिफा देता है और वही हमें धर्मी ठहराता है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की कदर करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को हम पहचानते हैं, तो हम उसी के द्वारा जो कि धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। और उन्होंने बताया कि आज जो लोग एनजीओ खोलते हैं, एनजीओ खोले हुए जो लोगों ने जो एनजीओ में सेवा करते हैं, वो सोचते हैं कि हम धर्मी ठहरे हैं, हम धर्म का काम करते हैं, पर वो धर्मी धर्म का काम नहीं होता, वो धर्मी एनजीओ के द्वारा नहीं ठहरते। हाँ, पर वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, परमेश्वर के दास ने जैसे बताया कि हाँ वो भी एक अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो गरीबों की सहायता कर रहे हैं वो भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी बयान करता है कि गरीबों की सहायता करो, विधवाओं का जो कि अन्याय करो, जो कि गरीब बच्चों का अन्याय करो, जो अनाथ बच्चे हैं उनका अन्याय करो, पर हम उनसे धर्मी नहीं ठहरते, उनका भी अन्याय होगा, उन्हें भी इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा जो इस वचन को लेकर काम करते हैं, लोगों की सहायता के लिए एनजीओ खोलते हैं, उनका भी परमेश्वर ज़रूर अन्याय करेगा, उनको भी इस चीज़ का फल ज़रूर मिलेगा, पर हम धर्मी सिर्फ एक ही चीज़ से ठहर सकते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को हम मानते हैं, ब्लड के द्वारा हम काम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के ब्लड को हम अपने ऊपर लेते हैं, ब्लड का जो कि हमें परमेश्वर के ब्लड को हम डरते और कांपते हुए लेते हैं, फिर ही हम जो कि धर्मी ठहरते हैं। हालेलुया। क्योंकि जैसे कि बाइबल का वचन भी बयान करता है कि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरते हैं, हम ये नहीं कि हम अन्याय के काम करते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, हम बहुत ही परमेश्वर के साथ अच्छे काम करते हैं, हम लोगों के साथ अच्छे काम करते हैं, लोगों के साथ हम अच्छा बर्ताव करते हैं, उसका भी न्याय होगा, वो भी परमेश्वर हमारा न्याय करेगा, उसका भी हमें फल मिलेगा, पर हम धर्मी जिस चीज़ के साथ ठहरते हैं वो परमेश्वर के लहू के साथ ठहरते हैं, अगर हम उसके लहू के साथ धर्मी ठहरते हैं ना तो हम उसके क्रोध से भी बच सकते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लहू की कदर करते हैं ना, जब हम परमेश्वर के लहू की रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो क्रोध परमेश्वर का हमारे ऊपर से जो कि टलता है और परमेश्वर हमसे प्रसन्न होता है, क्योंकि वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, ये केवल परमेश्वर ने हमारे लिए अपना लहू बहाया, वो कीमती लहू कोई किसी के लिए नहीं बहाता, कोई किसी के लिए अपनी जान नहीं देता। आज तक आपने कभी भी ऐसा नहीं सुना कि किसी ने आपके लिए जान दी, आपके पापों के लिए जान दी, केवल यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपना वो कीमती लहू बहाया, और वो कीमती लहू बहाने से हम जो कि धर्मी ठहरे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो कि हम धर्मी ठहरे हैं, और प्रभु यीशु मसीह की लहू की जो कि रिस्पेक्ट करें, उसके क्रूस पर चराने की जो हमारे लिए वो चराया गया उसकी रिस्पेक्ट करें, और उसको उससे डरते हुए कांपते हुए परमेश्वर के लहू की जो कि कदर करें, और जिससे आप धर्मी ठहरे। हालेलुया। और परमेश्वर के नाम में भरते जाएँ, परमेश्वर के नाम को ऊँचा करते जाएँ, परमेश्वर के
थैंकफुल परमेश्वर का करें, परमेश्वर का थैंक्स करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए वो कीमती लहू बहाया। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीष करें, परमेश्वर में भरते जाएं। और अगर आपने अभी तक विशारम दासिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आप लोगों की जिंदगियों में बड़े कार्य करे और परमेश्वर का ब्लड आप लोगों की जिंदगियों में कार्य करे। गॉड ब्लेस।